दोस्तों मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी मेरा वीडियो देख रहे थे स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपको हम 14 वोल्ट 10 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर डेटा बताएंगे, और दोस्तों आपको बताएंगे इसमें हम लोग 10 एम्पीयर के लिए एक्चुअली हम लोग इसमें 15 नंबर का तार लिए हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसके जगह पर 18 नंबर का तार क्यों यूज करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इसमें जो है आपका प्राइमरी में 230 वोल्ट के लिए 690 टर्न्स लेना होगा, और जो वायर रहेगा प्राइमरी में वो रहेगा 26 HWG का। दोस्तों 0 वोल्ट 0 टर्न्स यहाँ से स्टार्टिंग होगा, इसका वाइंडिंग करते हुए आपको जाना है, जो कि 690 टर्न्स आपको लपेटना होगा प्राइमरी में 230 वोल्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, 230 वोल्ट के लिए आपको इसको वाइंडिंग करना होगा। ये होगी आपका प्राइमरी। और फिर हम लोग चलते हैं सेकेंडरी की तरफ। सेकेंडरी में ये जो है 14 वोल्ट इसकी आउटपुट है, यानी कि बैटरी को हम लोग फुल चार्ज करते हैं 14 वोल्ट, यानी कि 12 वोल्ट में बैटरी फुल चार्ज नहीं होती, 14 वोल्ट में चार्ज होती है, इसलिए हम लोग वाइंडिंग इसका लिए हैं 14 वोल्ट के हिसाब से। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ 0 वोल्ट के लिए 0 टर्न्स है, और यहाँ से इसकी वाइंडिंग करते हुए जाना है। वाइंडिंग करने के बाद में यहाँ पे आपको 14 वोल्ट के लिए 42 टर्न लपेटना है, जो कि इसकी वायर रहेगी 15 HWG। दोस्तों 15 HWG में आपको यहाँ पे 10 आपका आउटपुट मिल जाएगा, देख सकते हैं 10 एम्पीयर आपको आउटपुट यहाँ मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे अगर आपको लपेटनी है 18 नंबर की तार, तो 18 नंबर की तार लपेटने के लिए फिर इसमें क्या करना होगा आप लोग को, तो फिर इसमें हम लोग अगर 12012 हम लोग यूज करते हैं, उसकी जगह हम लोग यहाँ पे 14014 यूज करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, पहले इसकी हम लोग वाटेज समझ लेते हैं, इसकी वाटेज कितनी होगी। तो 14 वोल्ट की आपकी वाटेज होगी यहाँ पे 14 वोल्ट और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग एम्पियर से 10 एम्पियर, तो इसकी आपकी आउटपुट इसकी मिल जाएगी 140 वाट। ठीक है दोस्तों, इसकी 140 वाट आपको आउटपुट मिल जाएगी। और फ्रेंड्स हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 वाइंडिंग हम लोग इसमें करेंगे, यानी कि इसमें 14014 करेंगे, देख सकते हैं इसकी वाइंडिंग 2 हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे खुद लेंगे, देख सकते हैं ये 14014 बनाएंगे हम लोग। तो 14 यहाँ पे देख सकते हैं, फिर 14 वोल्ट के लिए आपको 42 टर्न लपेटने होंगे, यहाँ से यहाँ 14 वोल्ट के लिए आपको 42 टर्न लपेटने होंगे, और फिर यहाँ से आपको 42 टर्न लपेटेंगे। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ 14 वोल्ट यहाँ पे कर देंगे हम लोग, और यहाँ पे जो है 0 वोल्ट यहाँ पे हम लोग कर देंगे, तो 14014 यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप 10 एम्पीयर के लिए यहाँ पे 15 HWG है वायर है वो 10 एम्पीयर के लिए है, ठीक है, और यहाँ पे 15 वायर जो है ये 10 एम्पीयर के लिए है। दोस्तों दोनों मिला के आपका 20 एम्पीयर हो जा रहा है, ठीक है 20 एम्पीयर हो जा रहा है। और अगर आप इसको 14 वोल्ट का बना रहे थे तो 14 वोल्ट से आपको 20 एम्पीयर का करेंगे आप इसमें मल्टीप्लाई, तो ये 280 वाट की ट्रांसफार्मर हो जा रही है, देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें दिक्कत क्या हो रही है, इसमें प्राइमरी आपको सेम उसी के हिसाब से यहाँ पे वाइंडिंग किया गया है, यानी कि 140 वाट के हिसाब से प्राइमरी हम लोग वाइंडिंग किए हैं, और यहाँ पे अगर हम लोग 15 नंबर का तार इस राइट साइड में ले लेंगे अप साइड में, और यहाँ लेफ्ट साइड में भी आपको ले लेंगे डाउन साइड में, तो आपका ये जो है आपका 280 वाट हो जाएगी। तो लेकिन प्राइमरी में आप वायर जो लेपटे हैं वो आपका जो है 140 वाट के हिसाब से है। तो दोस्तों अगर आप 14014 बनाएंगे तो इसमें आपको कुछ चेंजेस करने होंगे, यहाँ पे जो वायर आपका लगेंगे यहाँ पे 15 नंबर के वायर नहीं लेने होंगे,
यहाँ पे आपको 5 एम्पियर के हिसाब से आपको वायर लेने होंगे। तो 5 एम्पियर के हिसाब से वायर लेंगे तो फिर इसमें आपको वायर जो लेना होगा, तो वायर इसमें आपको लेना होगा, यहाँ पे जो वायर लेना होगा आपको लेना होगा, यहाँ पे चेंज कर ले जी, आपको लेना होगा। दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, ये जो वायर है 18HWG में आपको मिला के आपको 10 एम्पियर हो जाएगा। दोस्तों 10 एम्पियर कैसे होगा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम लोग डबल 18 नंबर का तार इसको भी ले लिए हैं, 18 नंबर तार इसको भी हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ में हम लोग जोड़ देंगे, इस तरह कुछ जोड़ेंगे। देख लीजिए 18 नंबर तार एक साथ में हम लोग लिपेट कर देंगे, लिपेटेंगे इसे तो आप 18 18 यानी कि ये 15 नंबर के बराबर इसमें आपका लोड ले सकता है, यानी कि 5-5 एम्पियर के हिसाब से इसमें आपको 10 एम्पियर ये लोड ले लेगा। तो 18 नंबर का तार एक साथ में लिपटेंगे तो वो 15 एम्पियर का तरह वो लोड को बियर करेगा। यानी कि देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर आपका जो ट्रांसफार्मर है 15 नंबर का तार है तो वहाँ पर आप 18 नंबर का तार दो यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो वो 15 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। अगर 10 नंबर का तार यूज करना है वहाँ पे आपको 13 नंबर का तार दो यूज करेंगे तो आपका जो है वो 10 नंबर के बराबर हो जाएगा। अगर आपका वायर जो है 20 नंबर का यूज करना है वहाँ पे अगर आप 23 नंबर का दो तार यूज करेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए 15 नंबर का तार है तो आपको 3 स्टेप अप लेना है, 15 16 17 18 18 नंबर का तार आपको लेना होगा, 3 स्टेप में आपको जाना 1 2 3, तो उसके बराबर आपको दो तार लेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग इसी तरह अगर 12012 बना रहे हैं वहाँ पे 10 एम्पियर का बना रहे हैं तो सिंगल अगर वायर लेंगे तो वहाँ पे आपको 10 एम्पियर के लिए 15 नंबर का वायर लेना होगा। अगर आपको जो है दो तार 12012 बना तो वहाँ पे आपको 18 नंबर का तार लेना होगा, यानी कि 15 का 3 स्टेप आपको वायर लेना है तो वहाँ पर आपका 18 हो जाएगा। तो कुछ इसी तरह हम वायर को लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप दोनों साइड में आप 15 नंबर का तार यूज नहीं करेंगे, जब 15 नंबर का तार यूज करेंगे तो ये कैलकुलेशन टोटल गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो आपको प्राइमरी पे लोड ज़्यादा पड़ जाएगा, ये 20 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। अगर 20 एम्पियर के बराबर आप बना रहे हैं तो उस पीरियड में इसकी जो कोर एरिया है उसको भी आपको चेंजेस करने होंगे, प्राइमरी की जो वायर की थिकनेस है उसको भी आपको बढ़ाना होगा। तो दोस्तों इसमें जो हम लोग कोर यूज कर रहे हैं वो 3 नंबर 2 इंच में यूज कर रहे हैं, जो कि ये 100, तो फ्रेंड अगर आपको 280 वाट के लिए लेना है तो वहाँ पे कोर का नंबर चेंज हो जाएगा और टोटल जो है टोटल आपका जो है ट्रांसफार्मर का कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। तो अगर 12-0 बनाना है तो आपकी जो वायर की जो थिकनेस है उसमें आपको जो है डबल कर देनी है। अगर मान लीजिए 15 नंबर का तो वहाँ पे आपको 18 नंबर लेना है, 20 नंबर का 23 नंबर लेना है, अगर 12012 बनाना है, अगर मान लीजिए 20020 बनाना है इसके लिए। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।